विगत दो दिन पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग बमहोरी सर के समीप खेत पर हुई प्रसव पीड़िता के मामले में जहां प्रसव पीड़िता ने कहानी रचकर चर्चा में आई थी, दो दिन से भर्ती अस्पताल में महिला को देखने जब परिजन आए तो कहानी का सच जानकर लोगों को बड़ी हैरत हुई। इसके बाद प्रसव पीड़िता लोकलाज के भय से नवजात बच्चे को छोड़कर अस्पताल से गायब हो गई। विदित है कि प्रसव पीड़िता महिला ने थाना क्षेत्र के ग्राम बरोगा डांग निवासी राकेश सहरिया की पत्नी फूलबाई बताते हुए पति की मारपीट से तंग प्रसव वेदना में पैदल ही उपचार कराने निकल पड़ी। असहाय वेदना में चलते हुए गांव से दूर करीब 20 किलोमीटर चलकर जैसे ही वह राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम बमहोरी सर के नजदीक पहुंची, तभी असहनीय दर्द के कारण महिला सड़क से नीचे खेत में जाकर लेट गई। तभी उसके प्रसव हो गया, जिससे रागीरों की मदद से सीएससी में भर्ती कराया गया। लेकिन इसके दूसरे दिन अखबारों की खबर पढ़कर महिला के परिजन आए तो उन्होंने महिला नर्स को बताया कि उक्त महिला उनके परिवार की है तथा इसका सही नाम दयावती पत्नीश्वर की समृत अहिरवार निवासी तेरई फाटक है। इसके पति की मृत्यु 8 वर्ष पूर्व आकाशीय बिजली से हो गई है, मगर इसके चाल चलन के कारण परिजन इससे दूरी बनाए हुए हैं। उक्त महिला की रची कहानी की कलई खुलते ही महिला दूसरे दिन ही अस्पताल कर्मियों को चकमा देकर अपने नवजात बालक को छोड़कर भाग गई। प्रसव पीड़िता भर्ती महिला के गायब हो जाने के बाद अस्पताल कर्मियों ने हड़कंप मच गया। इस मामले में अस्पताल में तैनात नर्स द्वारा बताया गया कि उक्त महिला अपने आप को सहरिया जाति की बता रही थी, मगर जब उसके बारे में जानकारी दी गई तब ग्राम बमहोरी प्रधान द्वारा बताया गया कि यह अहिरवार जाति की महिला है। डिलीवरी होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर दो दिन बाद वो अपने नवजात बच्चे को छोड़कर यहां से फरार हो गई। क्या प्रकरण, क्या मामला है पूरा? ये कल प्रधान जी, बमहोरी प्रधान जी, इसकी महिला को भेजे थे यहाँ पर, खेत में डिलीवरी हो गया था और आने के बाद इसका मैंने सब ट्रीटमेंट किया। अधिकारी जो बताया वो बताई सहरिया, लेकिन है ये तेरही फाटक के रहने वाली अहिरवार। क्या मामला हो गया बच्ची को छोड़ के भाग गई, क्या प्रॉब्लम? अब उसके परिवार कोई आया था थाना में, मैं सूचित किया, एक जिससे कि 100 नंबर गाड़ी नहीं मिलाई थी मैंने, वो कोतवाल साहब आए थे और मैं पकड़ा भी गया, पूछा कि हमारी ये भाभी हैं। ऊपर गया और ऊपर गया तो मैं देखे तो वीडियो बनाना शुरू किया, उसे पकड़ लिया मैंने। फिर क्या हुआ इसका? फिर मैंने सूचना दिया अधिकारी की यही हाल है, तो कोतवाल साहब आए थे। फिर चले। आज क्या घटना करूँगा? आज घटना 5:30 बजे चांदनी पुरोहित की ड्यूटी थी और मंदिर कुशवाहा का, निधि गोस्वामी का, किशोरी बेगम का। 5:30 बजे दीवार खुद के भागने की शुरू की, जब सिस्टर ने पकड़ना शुरू की तो ईंट चलाना शुरू किया और बच्चे को छोड़ के भाग गई। बच्चे को छोड़ के भाग गई।